नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, सिवान के दरौंदा का फाइनल रिजल्ट आ गया है। निर्दलीय करणजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह ने 27,000 से भी अधिक मतों से जीत हासिल की है। मतलब ये है कि सिवान ने कोई नया साहब, कोई नया दादा को चुनाव जीतने का मौका नहीं दिया है। सिवान का संदेशा स्पष्ट है। जदयू ने अजय सिंह, सांसद कविता सिंह के पति को उम्मीदवार बनाया था, वे भी दबंग किस्म के व्यक्ति माने जाते हैं, तो दरौंदा ने उन्हें चुनाव में हरा दिया है। जदयू को हार मिली है। यदि हम आंकड़ों की बात कर लें तो 27,312 मतों से करणजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह निर्दलीय चुनाव जीते हैं। आपको पता है कि ब्यास सिंह पहले भाजपा में थे, वे बागी होकर चुनाव लड़े, भाजपा ने उन्हें निकाला, सुशील कुमार मोदी ने अल्टीमेटम देकर निकाला, लेकिन जनता को भाजपा का निर्णय रास नहीं आया। बागी ब्यास सिंह को ही दरौंदा ने चुनाव जिताया है। 51,207 वोट मिले हैं करणजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह को। अजय सिंह दूसरे नंबर पर रहे, उन्हें 23,895 मत मिले हैं। मतलब बड़े अंतर से ब्यास सिंह जीते हैं और अजय सिंह चुनाव हारे हैं। आरजेडी के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार कह सकते हैं, उमेश सिंह, जिनके बारे में कहा जाता था कि शराब के कारोबार में उनकी दिलचस्पी रहती है, वे तीसरे स्थान पर रहे, उन्हें 20,891 मत आया। और निर्दलीय शैलेंद्र यादव 17,272 मत लाकर चौथे स्थान पर रहे। तो शैलेंद्र यादव चुनाव नहीं भी लड़ते, आप कह सकते हैं कि यादव मत कटे हैं, तब भी उमेश सिंह चुनाव नहीं जीतते। दरौंदा का बिल्कुल जो निर्णय है वह साफ है कि सिवान पुराने दौर में नहीं जाना चाहता है। न उसे साहब मंजूर है, न उसे कोई दादा मंजूर है। ओम प्रकाश यादव जैसा कह रहे थे, दावे के साथ कह रहे थे कि देखिए, सिवान को नया साहबुद्दीन हम नहीं देंगे, नया साहबुद्दीन पैदा नहीं होने देंगे। उनका निशाना साफ साफ अजय सिंह की ही ओर था। चुनाव के दिन भी वे बागी दिखे। उन्होंने भाजपा में रहते हुए, अजय सिंह जो एनडीए के उम्मीदवार थे, जदयू भाजपा लोजपा के उम्मीदवार थे, उन्हें वोट नहीं दिया। कहा जा रहा है कि उन्होंने ब्यास सिंह को ही वोट दिया। ब्यास सिंह के बारे में आपको पता है कि जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो ब्यास सिंह ने सिवान में अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह के चुनाव की बागडोर संभाल रखी थी। अजय सिंह रात्रि विश्राम सिवान में ब्यास सिंह के घर में ही किया करते थे और माना यह जा रहा था कि कविता सिंह की जीत के बाद ब्यास सिंह को ही दरौंदा लड़ने के लिए अजय सिंह कहेंगे। लेकिन जब उपचुनाव का मौका आया, कविता सिंह चुनाव जीत गई लोकसभा में, और जब उपचुनाव ऐलान हुआ तो अजय सिंह स्वयं टिकट ले आए। नीतीश कुमार ने जाकर उन्हें जीत की माला भी पहना दी, रामविलास पासवान ने भी पहनाई और सुशील कुमार मोदी ने भी पहनाई। लेकिन जब वोट हुआ और जब नतीजा हुआ तो नतीजा सामने है कि अजय सिंह चुनाव हार गए हैं, बड़े अंतर से चुनाव हारे हैं, और ब्यास सिंह चुनाव जीत गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ब्यास सिंह की जीत पर जदयू के विधायक, बरहरिया के विधायक श्याम बहादुर सिंह भी नाचते हुए दिखाई पड़े हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि सिवान के दरौंदा के चुनाव में जदयू के भीतर भी फूट थी, भाजपा की स्थानीय इकाई के नेता भी अपने केंद्रीय नेतृत्व से नाराज थे और टिकट जिस तरीके से बांटा गया इसको लेकर गुस्सा था। तो ये इस गुस्से का इजहार हुआ और अजय सिंह चुनाव हार गए हैं। तो सिवान के दरौंदा का फाइनल रिजल्ट आ गया है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।